हेलो फ्रेंड्स, माय डिश माय तलका तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं बथुए का रायता। ये देखिए, जिसको धोकर साफ कर लिया है और आधा के जी बथुआ लिया है और आधा के जी दही लिया है, ताज़ा दही। और जिसको बनाने के लिए बथुए का रायते बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो देखिए इस प्रकार से है। 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक काम मिलेंगे और साबुत धनिया काम मिलेंगे आज, थोड़ी हींग, चुटकी भर हींग और भुना हुआ जीरा और थोड़ी राई और ग्राइंड किए हुए प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 और थोड़ा हरा धनिया और 8-10 कलियां लहसुन की, जिनको बारीक काट लिया है। ये देखिए, बथुए को कुकर में डालेंगे और इसमें पानी नहीं डालना दोस्तों। इसको 3 सीटी आने तक पकाएंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे, गैस ऑन कर दिया है। अब इसको 3 सीटी आने तक पकाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बथुआ तैयार होता है, तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। पैन में घी गरम करेंगे, देसी घी। ये देखिए घी गरम हो चुका है, अब इसमें हींग डालेंगे और राई और साबुत धनिया, इनको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा मसाला बनेगा। और लहसुन की कलियां जो बारीक काट रखी है, इनको भी एक बार मिला देंगे। और हल्दी, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना दोस्तों, नहीं तो ये जल जाएंगे मसाले। और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। अब गैस बंद कर देंगे। अच्छी खुशबू आने लगी है, बहुत ही अच्छा रायता बनेगा दोस्तों। बथुए का रायता है, सर्दियों के दिनों में अवश्य बना के खाना चाहिए दोस्तों। बथुआ तैयार होता है, तब तक हम दही में प्याज डाल कर तैयार कर लेंगे इसको अच्छे से। अब मिर्च डालेंगे, भुना हुआ जीरा, स्वाद अनुसार नमक और हरा धनिया, लाल मिर्च, रूपा धनिया, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अच्छा ताज़ा दही है, अच्छी खुशबू आने लगी है जीरे की। ये दोस्तों 2 सीटी हो चुकी हैं, 1 सीटी और लगाएंगे। ये देखिए, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे दही में, बहुत ही अच्छा रहता है बनेगा दोस्तों। आप भी अपने किचन में आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, कुकर का ढक्कन खोलकर देखते हैं, बथुआ है जो उबल चुका है। ये देखिए, अब इसको ठंडा करेंगे थोड़ी देर और फिर ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बथुए को ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही अच्छा ग्राइंड हुआ है, बहुत ही अच्छा लगने लगा है और अच्छा रायता बनेगा दोस्तों। अब इसमें दही में बथुआ डालेंगे। ये देखिए इस प्रकार से, अब थोड़ा सा चम्मच की सहायता से इसको मिला देंगे। देखिए दोस्तों, रेक की सहायता से इसको अच्छे से मिला देंगे। देखिए इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों, बथुए को दही में अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें तड़का देंगे, जो हमने तैयार किया था मसाला तैयार किया था, उसका तड़का देंगे। बहुत ही अच्छा रायता बनेगा दोस्तों। बथुए के रायते में बहुत से गुण होते हैं, शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पाचन क्रिया को सही रखता है और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है इसमें। अब इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये देखिए इस प्रकार से,
बहुत ही अच्छा रायता बनने वाला है। ये देखिए, अच्छा दोस्तों, बथुए के रायता बनाने की ये विधि अच्छी लगी हो तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि अगली जानकारी। अच्छा, धन्यवाद।